नमस्कार, मैं हूं भावना। आप सुन रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्थ विभाग को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। सीएम मोहन यादव की कैबिनेट ने दो अलग अलग विभागों को मर्ज कर दिया है। ये विभाग हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। सीएम मोहन यादव की कैबिनेट ने इन दोनों विभागों को मर्ज कर एक हेल्थ विभाग बना दिया है। इससे मध्य प्रदेश के उन मरीजों को लाभ मिलेगा जो अक्सर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के बीच समन्वय न होने पर परेशान होते थे। वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग दोनों ही विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राजेंद्र शुक्ला को इसलिए दोनों विभाग पहले ही दे दिए थे क्योंकि मर्ज होने का यह एक निर्णय लेना था। अब एक विभाग और एक ही मंत्री होने से मरीजों को मदद देने और सुविधाएं देने में काफी काम हो सकेंगे। शिवराज सरकार के समय चिकित्सा शिक्षा विभाग विश्वास सारंग के पास और हेल्थ विभाग डॉक्टर प्रभु राम चौधरी के पास होता था। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में के प्रावधानों में थोड़ा संशोधन किया गया है, क्योंकि अभी आयुर्वेद विश्वविद्यालय चिकित्सा में दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि के पाठ्यक्रम संचालित करती है, पर इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को, क्योंकि पहले एकाध कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके पैरामेडिकल स्टाफ के जो पाठ्यक्रम है उसको भी यूनिवर्सिटी को देने का प्रस्ताव है, और इसलिए इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अब लोगों का कोविड के बाद से इन सब विधि के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों